He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. अब यहाँ पर वो क्या कर रहा था, धीरे धीरे अपने आप को कोशिश कर रहा था आगे बढ़ाने की, रगड़ रगड़ के वो अपनी माँ तक या अपने माँ के फीट को रगड़ते हुए आगे उसके नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा था. बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. लेकिन जब वो उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए तो उसने क्या, जो वो उड़ते उड़ते आ रही थी, अब उसने उड़ना बंद कर दिया. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. अब उसके मुंह में, उसकी चोंच में जो फिश थी अब वो इसकी चोंच तक पहुंचने लगे. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश. अब इस तरह से वो रुक गई, वो देखना चाहती थी, और यहाँ पे क्योंकि वो भूख के कारण बहुत परेशान था तो इसने अपनी हिम्मत दिखाई और इसने उसके मुँह से वो फिश लेने के लिए उड़ गया. With a loud scream, he fell onwards and downwards into space. अब इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कभी आगे की तरफ कभी नीचे की तरफ कर रहा था. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. अब इस तरह से उसके अंदर जो भय था, बहुत ज़्यादा डर था, वो किसी तरह दिल से बाहर निकला और वो शांत हो गया, यानी कि डर अब ख़त्म हो गया और वो stood still, यानी अब शांति से वो खड़ा रह गया. ही कुड हियर नथिंग बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. अब उसने कुछ भी नहीं सुना, बस एक मिनट की बात थी. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. अब दूसरे ही क्षण में उसने अपने पंखों को, पैरों को फैला लिया. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर्स देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. अब इस तरह से हवा जो थी वो उसके पेट को लग रही थी, उसके छाती को लग रही थी और उसके पंखों को लग रही थी, और इस तरह से अब वो उड़ान भरने लगा. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके जो पर हैं वो हवाओं को काट रहे हैं. वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ. अभी वो गिर नहीं रहा था, यानी अभी तक उसने अपनी मुंडी को नीचे की तरफ झुकाया नहीं. वो सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. अभी तक वो अपने पंखों पर को नीचे के अंदर की तरफ बाहर की तरफ ही फड़फड़ा रहा था. वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. अब वो पर को फड़फड़ाने में उसे डर नहीं लग रहा था. जस्ट फेल्ट ए बिट डीजी देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. गा 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 फुल आ हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइस. अब इस तरह से अब उसका डर ख़त्म हो गया और उसने अपने पैर को, अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए और ऊपर आसमान की तरफ उड़ान भरी. गा 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 वो बोलता रहा. गा कोल आ यानी वो अपनी माँ से बोल रहा था और उसकी माँ भी जो है वो उसके पीछे पीछे उड़ रही थी. हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइस. उसके जो पर थे अब खुशी के मारे ज़्यादा फड़फड़ा रहे थे. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. और वो पंख फड़फड़ा रही थी और उसका जो बच्चा था वो उसे रिस्पॉन्स यानी जवाब में अपने पर को फड़फड़ा रहा था, गा गा कर रहा था. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. अब उसका जो फादर था वो भी उड़ते उड़ते चिल्लाते कौं कौं करते करते वो भी उधर पहुँचा. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. अब इस तरह से उसने अपने दोनों भाई और बहनों को भी अपने आस पास उड़ते हुए, बोलते हुए और उड़ान भरते हुए देखा. इस तरह से अब उसको सबकी कंपनी यानी पूरी फैमिली अब उसके साथ थी उसकी उड़ान में.